जय हिंद सभी आप सभी लोगों को। और जैसा कि हमने जो अभी पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि आरजीबीवी का एक नोटिस आया था जिसमें कि हम लोगों को बताया जा रहा था कि आपकी कॉपियां रीचेक होंगी या फिर जो भी कुछ होने वाला था। कुछ ट्वीट्स आए थे, कुछ वीडियोस आई थी बहुत से चैनल्स पे, लेकिन हमारे चैनल पे जो अपडेट था वो यही था कि आरजीबीवी ऐसा नहीं करने वाली है, और सेम अपडेट आज उन्होंने रिटर्न में डाल दिया है। यदि ऐसा उनको करना होता तो वो पहले ही वाली अपनी वीडियो में पहले अपना नोटिस निकाल दे दिया होता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को गुमराह बिल्कुल नहीं किया था। हमने पहले अपने ये वाली वीडियो में, जो आप देख सकते हैं, इस वाली वीडियो में हमने पहले ही एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल कुछ सब्जेक्ट्स की कॉपियां चेक होंगी या फिर कुछ फिक्स चीजें जो उनके अपने अकॉर्डिंग होने वाली हैं वही कॉपियां चेक होंगी जो कि उनकी नजर में है या फिर जो वो चाहते हैं। तो नोटिस क्या है, सबसे पहले हम आपको वो नोटिस बताते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो नोटिस आपको बता रहा है कि उन विषय, वो सब्जेक्ट्स जिनमें कि स्टूडेंट्स की मार्क्स लेस हैं या फिर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कॉपियां चेक होंगी। राइट, अब उसका क्या मतलब है भाई? तो मतलब ये है कि वो 3 से 4 सब्जेक्ट्स जिनमें कि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, सिर्फ वही कॉपियां चेक होंगी। अदरवाइज आप उन सब्जेक्ट से हटके किसी सब्जेक्ट में है जिसमें कि आप फेल हुए हैं, आपकी कॉपी रिचेक नहीं होगी आरजीबीपी की तरफ से, आपको खुद रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है। राइट, पर अब मैं आपको बताता हूँ वो सभी सब्जेक्ट्स जिनमें कि आपकी कॉपियां चेक होने वाली हैं। राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा स्टैटिक है वो ये बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनमें से पहला सब्जेक्ट है M2। M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं, और उसी सब्जेक्ट की कॉपीज जो आरजीबीपी चेक करवा सकती है। दूसरे नंबर पे जो स्टैटिक में जो सब्जेक्ट कहा जा रहा है वो है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर इसको कुछ लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। तीसरे नंबर पर अगर प्रायोरिटी में किसी सब्जेक्ट को लिया जाए तो वो है BCE&M, यानी कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये भी एक सब्जेक्ट है। बीटेक की अभी यदि हम बात करें, अब बात करें कि ये कॉपियां कैसे चेक होंगी, तो इनके लिए खुद आरजीबीपी पेमेंट करेगी। अगर आप इन सब्जेक्ट से हटके किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो हमारा ये आपको सजेशन है, गो फॉर रिवैल्यूएशन फॉर्म इफ यू वांट इट। आरजीबीपी विल नॉट गोना गेट योर कॉपी चेक्ड बाय दोस टीचर्स ऑन देयर ऑन फेयर। वो खुद के पैसों से कॉपियां चेक नहीं करवाएगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बता दिया था। राइट, अब जानते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इस चीज के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि आपकी कॉपियां जिन सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन की हैं मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं सब्जेक्ट की कॉपियां चेक होंगी। यदि आप चाहते हैं आपका रेवोल्यूशन फॉर्म भरे तो आप जाइए रेवोल्यूशन का फॉर्म भरिए। इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक लगा है सो गो फॉर द सेमेस्टर ब्रेक एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट में हो जाने चाहिए, जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं। तो राइट, एट द एंड वी वुड लाइक टू से यू जय हिंद।